नमस्कार, मैं हूं चेतना खत्री और आप देख रहे हैं कोनार दुनियादारी, देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। कांदेवाली में दो चोरों के सर को मुंडवाने के बाद कपड़े उतारकर उनकी परेड निकाली गई। पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में राष्ट्रगान के दौरान मोहम्मद सिराज के भावुक होने की फोटो पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने ट्वीट की है और लिखा है, इस तस्वीर को याद रखें। बस्तर में चंदू मौर्य नामक एक शख्स ने एक ही मंडप में दो महिलाओं के साथ शादी की। दोनों महिलाओं का कहना है कि वे बहुत खुश हैं। न्यायमूर्ति हीमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। पुलिस ने बताया, नागपुर के कुड़ारी इलाके में पतंग का पीछा करते एंड सोलंकी नाम के 12 साल के बच्चे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस और राजस्व सूचना निदेशालय के अधिकारियों ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ से क्रमशः 1.5 तथा 3.5 टन गांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने माइकल जैक्सन के 1996 कंसर्ट के लिए 3.4 करोड़ मनोरंजन शुल्क माफ कर दिया है। इस तरह का यह दूसरा मामला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क 187 अरब डॉलर से अधिक नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। पुणे में 2019 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जाने के बाद रेवंश शिंदे ने चाय की दुकान खोल ली और अब वह हर महीने 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक हिंदू शख्स के साथ लापता औरैया की एक मुस्लिम महिला ने स्वयं के अपहरण के आरोप लगाते हुए पति द्वारा इस्लाम धर्म कबूलने पर ही साथ रहने की बात कही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने हाई स्कूल व कॉलेज के छात्रों को मुफ्त में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने की घोषणा की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84.2 प्रति लीटर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। बदायूं गैंगरेप व हत्या के केस में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा गया था। पटना के गांव से गरियावन में एक शख्स की मौत के बाद ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार के लिए जरूरी पैसों को लेकर अर्थी बैंक में रख दी। बैंक मैनेजर ने उन्हें सीएसआर फंड से 10,000 रुपए दिए। थाने पुलिस ने महेंद्र सदाशिव नामक रिटायर्ड पुलिसकर्मी को संपत्ति विवाद के चलते 2 रिश्तेदारों को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि बिना अनुमति के 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में तब्दील कर दिया है। गलत लिंक क्लिक करके सीट गंवाने वाले 18 वर्षीय छात्र को आईआईटी बॉम्बे में दाखिला दिए जाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लखीसराय में कुछ लोगों ने भारतीय सेना में चयनित शिव कुमार को बंदूक के बल पर उसका पकड़वा विवाह करवा दिया। अमेरिका में कैपिटल हिल की हिंसा के बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को कमजोर बताया है। ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मानहानि का नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश के इंदौर व नीमच शहरों में मुर्गियों के सैंपल से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने 7 दिन के लिए पॉलिटी दुकान बंद रखने का आदेश दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर ब्रिस्बेन में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। वहां एक कर्मचारी के कोविड-19 यूके स्ट्रेन से संक्रमित होने के बाद ये फैसला लिया गया। उल्लासनगर के स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र में दादा दौलत राम चांदवानी के मूर्ति की स्थापना स्वामी देव प्रकाश महाराज और डॉक्टर दयाल आशा ने की। अचानक बरसात के कारण शहर के नालों को साफ करवाने का काम नगर सेवकों ने शुरू किया है। उल्लासनगर महानगर पालिका ने आज से कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण का ड्राई रन शुरू कर दिया है। तो ये थी देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। तो फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, अब तक देखते रहिए कोनार दुनियादारी।